नमस्ते, मेरा नाम गौरवी भरत ढवळे, मैं 8वीं कक्षा ए डिवीजन में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम श्रीमती सुमती बाई विनायक देव माध्यमिक विद्यालय पेण, तालुका पेण, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र। हमारे भारत में बहुत सारे खेल खेले जाते हैं, उसमें से ये बास्केटबॉल। बास्केटबॉल अमेरिका में ज्यादातर फेमस है, जैसे कि हमारे देश में क्रिकेट फेमस है, वैसे ही हमारे भारतीय बच्चों को इस गेम की हैबिट लगे, इसलिए मैंने इस गेम का चुनाव किया है। इस गेम बनाने के लिए मैंने 4-5 चीजों का इस्तेमाल किया है, जैसे कि पेपर बॉक्स, जो हम नया टीवी लाते हैं, नया फ्रिज लाते हैं, उसके साथ मिल ही जाता है। पेपर कप, वो हम शादी के फंक्शन में यूज करके फेंक देते हैं, इसे भी हम इधर यूज कर सकते हैं। बॉटल कैप, आइसक्रीम स्टिक, रिफिल, रबर ब्रांड, एम्प्टी स्केच पेंस, ऐसे ही हम घर पर अवेलेबल होने की चीजें यूज करने के बाद फेंक देते हैं। वही वेस्ट मटेरियल को हमने इस गेम में यूज किया है। हमने सिर्फ मार्केट से बॉल्स और फेविकॉल खरीद के लाए हैं। इस गेम को बनाने के लिए हमें कुल मिला के 3 से 4 घंटे का समय लगा है। अब ये खेल कैसा खेला जाता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आपको हर राउंड में एक प्लेयर को 10 बॉल मिलेंगे। पहले ये बॉल बॉटल कैप पे लगाना है और प्रेस करने के बाद छोड़ देना है और ये उछल कर जाएगा। ये कैसे उछलता है, इधर रबर बैंड फिक्स किया हुआ है, इसलिए वो स्प्रिंग जैसा यूज होता है। हम लोग अभी पहला राउंड चालू करते हैं। अब हम लेफ्ट और राइट मूव करके किस भी बास्केट पे बॉल डाल सकते हैं। अब मेरा 20 नंबर के बास्केट में बॉल गया हुआ है, तो मैंने 20 नंबर कैलकुलेट कर लिया। हर प्लेयर को 10 बॉल मिलेगी। अब मेरा 50 पॉइंट में गया, तो 50 और 20 मिलाकर 70 हुए। कर 70 पॉइंट हो चुके हैं। वैसे ही दूसरा प्लेयर आकर वो 9 ऊपर करके दूसरा राउंड खेल सकता है। इस गेम में प्लेयर मल्टीपल राउंड खेल सकते हैं और इस गेम का आनंद हम 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, जितना चाहे उतना समय लगा सकते हैं और आनंद से खेल सकते हैं। ये गेम बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग तक खेला जा सकता है। जैसे कि आपके घर में कोई छोटा बच्चा है तो पेरेंट्स भी उसके साथ खेलकर इस गेम का आनंद उठा सकते हैं। जैसे ही बास्केट में बॉल जाता है वैसे ही काउंटिंग करके करके बच्चे का मैथ स्ट्रांग हो सकता है। जब मैं पापा के साथ मार्केट में जाती थी तब वहाँ बहुत सारे खिलौने दिखते थे, मैं पापा से जिद करती थी, वो खिलौने बहुत महंगे होते थे। अब यही खिलौना देखो ना, मैंने मार्केट में देखा तो 300 से 400 रुपए तक इसकी प्राइस गई और मैंने घर पर खुद इसको 30 से 50 रुपए तक बनाया है। ये गेम बनाते समय मैंने ज्यादातर चीजें वेस्ट मटेरियल से ही यूज की है। सिर्फ मैंने प्लास्टिक बॉल्स जो 1 रुपए में 1 मिलता है वो मैंने 10 लिए हैं और फेविकॉल 20 रुपए का। ये पूरा खिलौना कुल मिलाकर मैंने सिर्फ 30 से 50 रुपए तक बनाया। ये गेम बनाते समय मुझे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली है। पेपर बॉक्स कैसे कट करना है, कितने एंगल में कट करना है, ये पेपर कप कैसे कट करना है जो कि इसमें बॉल जाकर गिरे, इसका स्टैंड कितने एंगल में कट करना है और ये मूव करने के लिए क्या करना है और ये स्प्रिंग बनाने के लिए कैसे यूज करना है, ये नॉब बनाने के लिए इस बॉल को इधर रुकने के लिए कैसे जगह बनानी है, ऐसे बहुत सारी चीजें मुझे सीखने को मिली। इस गेम को बनाते समय मैंने बहुत सारा एंजॉय किया और उससे भी ज्यादा एंजॉय मुझे इस खेल को खेल
खेलने में आता हूँ। सो मैं हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी सर का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने जो इंडियन टॉयज नाम का कॉन्सेप्ट लाया है। ये गेम बनाते समय मेरे को बहुत सारी चीजें सीखने को मिली है और बहुत मेरी स्किल भी डेवलप हुई है। सो मार्केट में कौन सा भी टॉयज आता है तो मैं उसको कैसे घर पे बनाना है उसकी कोशिश करूंगी। धन्यवाद।